हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चूज़ योर डाइट प्लान। सेवन डेज के सेवन डाइट प्लान्स। आज हमारा फोर्थ डे और हमारा फोर्थ डाइट प्लान। आज मैं आपके लिए ऐसी एक न्यूट्रिशनिस्ट की डाइट लेके आई हूँ जिन्होंने दावा किया है कि एक दिन में 1 से 2 किलो वेट से रिड्यूस हो सकता है, और मुझे भी अच्छा लगा है डाइट प्लान, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं। इसके अंदर वो कहते हैं कि आपको कल की शुरुआत आज से करनी है, यानी कि हमें आज रात से इसकी स्टार्टिंग करनी है। आज रात को हमें क्या करना है, हमें अपना डिटॉक्स बनाना है रात को। अब उसके अंदर क्या करना है, 2 ग्लास पानी लेना है, 1 चम्मच जीरा, 1 टीस्पून सौंफ एंड 1 टीस्पून अजवाइन। जीरा, सौंफ एंड अजवाइन, तीनों चीज़ें 1-1 चम्मच, और उसे अच्छा सा बॉईल करना है और रात को पी के सो जाना है। उनके हिसाब से ये बहुत अच्छा डिटॉक्स है, और वैसे भी डिटॉक्स बहुत अच्छा है क्योंकि तीनों ही चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए, हमारे टमी के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। ओके, चलिए रात को हम ये पी के सो गए। सुबह बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी पेट बहुत खाली खाली हल्का फुल्का अच्छा लगेगा। देन वो बताती हैं कि मॉर्निंग में 6:30 उन्होंने क्या लिया, 5-6 करी पत्ते। आपको पता है ना, करी पत्ता हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और जिसे मीठा नीम भी कहते हैं, और साउथ में इसका चलन बहुत ज़्यादा है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट रिड्यूस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने 5-6 करी पत्ता जस्ट चबाए मुँह से, और 2 ग्लास गुनगुना पानी पिया। अच्छा है, अच्छी चीज़ लगी है, आप इसे ज़रूर से आजमाइएगा। मॉर्निंग के अंदर 6:30 उन्होंने ये लिया। देन उसके बाद में 7:00 20 मिनट्स की एक्सरसाइज, 7:00 20 मिनट्स का वर्कआउट किया है। आफ्टर दैट उन्होंने लिया, देखिए 8:30 पे ब्रेकफास्ट। 8:30 पे ब्रेकफास्ट में क्या लिया, 8:30 पे ब्रेकफास्ट में ओट्स का चीला, 1/2 कटोरी ओट्स लिया, उसके अंदर दही लिया, थोड़ी देर के लिए उसे भिगो दिया, उसको फिर बाद में मिक्सी के अंदर ग्राइंड किया, और आप सब तरह की सब्जियां उसके अंदर डाल लीजिए, अपनी जितनी भी चॉप्ड वेजिटेबल्स है वो उसके अंदर डालिए, अपना पेपर सॉल्ट या फिर मिर्ची नमक वो डाल के आप उसका पैन पे, नॉन स्टिक पैन के ऊपर बिल्कुल कम तेल के अंदर अच्छा सा चीला बनाइए और खा लीजिए। ये हमारा हो गया अच्छा सा ब्रेकफास्ट। देन 8:30 के बाद में उन्होंने लिया, 11:00 उन्होंने लिया है टर्मरिक जिंजर टी। देखिए गौर करिए, सबसे अलग है ये, हटके है डाइट प्लान, अच्छा है। 11:00 टर्मरिक जिंजर टी कैसे बनाएंगे, 1 ग्लास पानी चढ़ाया, उसके अंदर थोड़ा सा 1/2 चम्मच टर्मरिक, अपनी बॉडी अपनी जस्ट आपकी तासीर के हिसाब से करिए, अगर आपकी तासीर गर्म है तो टर्मरिक थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। 1/2 चम्मच टर्मरिक ली, थोड़ी सी जिंजर डाली और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली उसके अंदर, और इसको अच्छा सा बॉईल कर लिया, और 11 बजे इसे ले लिया टर्मरिक जिंजर टी। ठीक है, देन उन्होंने कहा कि वो लंच करेंगी 1 बजे, तो इससे पहले 12:30 उन्होंने एक बार और डिटॉक्स लिया, और 12:30 डिटॉक्स में क्या लिया, सिर्फ नींबू और पुदीना उन्होंने इसके अंदर लिया, और इसका गुनगुना पानी पिया। आप चाहे पुदीना को क्रश करके डाल लीजिए, चाहे उसे बॉईल करके ले लीजिए, और नींबू डाल लीजिए 12:30। ओके, देन 1:00 लंच। अब लंच में क्या लिया, देखिए 100 ग्राम सोया चंक्स लीजिए, सोया चंक्स जो होते हैं 100 ग्राम, उसको 50% अभी लेना है, 50% डिनर में लेंगे, तो 50% सोया चंक्स की सब्जी बनाई, सब्जी भी अच्छी कम ऑयल के अंदर, कम मसाले की सब्जी बनाई, एंड उसके साथ में 1 चपाती और दही, बस ये चीज़ उन्होंने लंच में लिया, यानी कि हमें ये चीज़ लंच में लेनी है। ओके, आफ्टर दैट 1:00 जब लंच लिया, तो 2:30 पे उन्होंने फिर से डिटॉक्स लिया। देखिए 2:30 पे उनका डिटॉक्स हुआ, 2 ग्लास वाला डिटॉक्स फिर से लिया। आप ध्यान रखते चलिएगा, ये सब चीज़ें 3 बार डिटॉक्स ले रहे हैं वो। 2:30 पे डिटॉक्स के बाद में फिर 4:00 अपनी जिंजर टी ली, हल्दी एंड जिंजर टी 4:00, फिर वही 1 ग्लास पानी, उसके अंदर थोड़ी सी जिंजर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, आराम से गुनगुने उसे पी जाइए। देन 6:00 डिनर, पॉइंट नोट करिए, इनका डिनर 6:00 हो रहा है। 6:00 डिनर में क्या, डिनर में अच्छी चीज़ थी हमारा डेट, क्या बोलते हैं, क्या होता है ये, सोया का कबाब्स लिए थे उन्होंने, किसके, जो 50 ग्राम से सोया दिन में बचाया था,
जो 50 ग्राम सोयाबीन में बचाया था उसको पानी में सोक किया, मिक्सी के अंदर ग्राइंड किया, उसके अंदर सारे वेजिटेबल्स डाली, सारे मसाले डाले और बाइंडिंग के लिए एक चम्मच भर के उन्होंने बेसन डाला। फिर इसके अच्छी तरह से आप राउंड के अंदर कबाब्स बनाइए एंड नॉन स्टिक पैन में सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल के साथ में इसके अच्छी तरह से कबाब सेक लीजिए। अच्छी चीज़ है, चाहे तो साथ में हरी चटनी भी बना लीजिए। अच्छा, एंड 6 o'clock जब इन्होंने डिटॉक्स लिया, आफ्टर दैट 8 o'clock इन्होंने फिर वापस से अपना जो हमने नाइट ड्रिंक लिया था, वो नाइट ड्रिंक जो बनाया था बक्सर कटर ड्रिंक, वही वापस से रिपीट करना है। कौन सा वाला? जीरा सौंफ एंड अजवाइन वाला, बस। और 10 o'clock सो जाइए। अगर आप गाइस सही टाइम पे सोते हैं और सही टाइम पे उठते हैं तो ही ये चीज़ें वर्क करेगी, लेकिन अगर आपने सोचा कि आप 11 बजे 12 बजे सोएंगे तो फिर से भूख लग जाएगी। तो कहते हैं ना, हमारा रूटीन भी तो सही होना बहुत ज़रूरी है डाइट के साथ। हम डाइट कब फॉलो कर पाएंगे? जब रूटीन सही फॉलो करेंगे। तो अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 6 बजे खा के और 8 बजे ये डिटॉक्स वाटर लेके आराम से सो सकते हैं। एंड इससे हो सकता है, बिल्कुल इससे हो सकता है, जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तब अपनी सब्जी और ये थोड़ी सी चीज़ों को और चेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद में चेंज कर लीजिए, लेकिन डिटॉक्स और जिंजर टी वही रख सकते हैं। अच्छी लगी ये चीज़, चलिए इसको करिए। वेट रिड्यूस करना है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जो सूट करता है, आपको जो फॉलो जिस चीज़ को करनी है उसके हिसाब से आप उसे फॉलो करिए। 7 डेज़ के 7 डाइट प्लान्स मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन से डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। ठीक है गाइस, फॉलो करिए, ज़रूर करिए और रिजल्ट देखिए। मिलती हूँ आपसे कल फिर 5th डाइट प्लान के साथ में। तब तक आप रिज़ल्ट मुझे बताते जाइए, अपने आप में भी रिज़ल्ट देखिए एंड फॉलो करिए। चलिए मिलती हूँ आपसे कल फिर, तब तक के लिए विश यू हैप्पी एंड हेल्दी डे। बाय बाय।